तो सब्सक्राइब करें भाई जी टेक्नोक्रिएशंस और बगल में दबाएं नोटिफिकेशन बेल को, जिससे आने वाली टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम काइन मास्टर पर क्लिक करते हैं। काइन मास्टर पर जैसे ही क्लिक करते हैं, हम एक प्लस निशान पर क्लिक करते हैं और रेशियो लेते हैं 16:9 का। 16:9 का रेशियो लेने के बाद हम मीडिया पर क्लिक करेंगे। मीडिया पर क्लिक जैसे ही करेंगे, हम एक बैकग्राउंड चुनने का ऑप्शन आएगा। इसमें से हम कोई सा भी एक बैकग्राउंड उसमें ऐड कर लेंगे और बैकग्राउंड का टाइम थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, जैसे 10 सेकंड या 11 सेकंड का। उसके बाद इमेज पे क्लिक करते हैं। इमेज पे क्लिक करने के बाद उसमें से हम एक मोबाइल का फ्रेम लेंगे जिसे हमने डाउनलोड करके रखा है। उस मोबाइल को फ्रेम करके बीच में लगाते हैं और उसे एडजस्ट करते हैं। मोबाइल का फ्रेम देखिए अच्छी तरह से एडजस्ट अगर हो जाए, ये देखिए हो गया। उसके बाद पुनः हम इमेज पे क्लिक करेंगे और हमने जो अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लिया है उस स्क्रीनशॉट को इस मोबाइल के अंदर लगाएंगे। तो देखिए हम एक अपने चैनल का स्क्रीनशॉट लिए हैं, तो उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से उठाते हैं और मोबाइल में अच्छी तरह से फिट करते हैं। इसे अच्छी तरह से फिट जितना अच्छा कीजिएगा उतना ही अच्छा लगेगा। और इसे 3 बिंदु पर क्लिक करके सेंड टू बैंक कर दीजिएगा, जिससे ये मोबाइल के अंदर चला जाता है। ये देखिए आराम से फिट हो गया। फिट होने के बाद पुनः हम करते हैं इमेज पे क्लिक। जैसे ही करते हैं इमेज पे क्लिक करने के बाद, हमने जो डाउनलोड में सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड करके रखा है, उस सब्सक्राइब बटन को उठाते हैं और अपने चैनल के अपने नाम के नीचे छोटा करके फिट कर देते हैं, जिससे वो देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद इसके टाइम को बढ़ा लेते हैं और पुनः लेयर पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक करते हैं। और इमेज पे क्लिक करने के बाद हम वेल आइकन को जो डाउनलोड करके रखे हैं, उस वेल आइकन को भी उस अपने चैनल आर्ट के ऊपर लगाते हैं सब्सक्राइब के बगल में, और इसे छोटा कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद इस वेल आइकन को एनिमेशन देते हैं। इन एनिमेशन में स्लाइड अप को लगाते हैं, जैसे अंदर से बाहर आती है। उसके बाद देखिए कैसा लग रहा है। उसके बाद इमेज पे क्लिक करके लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करके और वो अंगूठे का निशान जिसके द्वारा सब्सक्राइब को दबाया जाता है, उस सिंबल को भी डाउनलोड करके अपने रखे हैं, उसे अपने इंसर्ट करके सब्सक्राइब पर लगाते हैं और इसमें इन एनिमेशन देते हैं स्केल डाउन। स्केल डाउन देने से देखिए सब्सक्राइब का सिंबल लग रहा है। इसके बाद इस बटन को अब देखिए देखते हैं कैसा लगता है। सब्सक्राइब को दब गया। इसके दबने के बस कुछ देर के बाद उस हाथ के निशान को जो ऐड किए हैं उसे हम ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करके बस उसे ख़त्म कर देते हैं, उतना ही देर का उसमें काम होता है। और इसमें आउट एनिमेशन लगा देते हैं। स्लाइड डाउन किए हैं तो इसमें स्लाइड आउट लगा देते हैं। स्लाइड अप लगा दिए हैं। अब इसके बाद हमारा काम जो रह गया है वो हमारे वेल आइकन का काम रह गया है। तो वेल आइकन के लिए पुनः हम लेयर पे क्लिक करेंगे। तो आइए लेयर पे क्लिक करते हैं। लेयर पे क्लिक करके इमेज में लगाते हैं और पुनः उस जो डाउनलोड किए अंगूठे का निशान को वेल आइकन के लिए उसे ऐड करते हैं और छोटा करके अपने वेल यानी घंटे के ऊपर लगा देते हैं और इसमें इन एनिमेशन ठीक वैसा ही देंगे स्केल डाउन का, जिसे बजने की निशानी होती है। अब देखिए इसे देखते हैं कैसा लग रहा है। तो जैसे ही आए सब्सक्राइब का दब गया। सब्सक्राइब का बजने के बाद जस्ट मिनट वेल आइकन आई। वेल आइकन को दबाते हैं। वेल आइकन को दबाने के बाद उस जो वेल आइकन पे हाथ लगा है उसे ट्रिम करके ख़त्म कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। और इसका आउट एनिमेशन देंगे, उसमें स्लाइड डाउन किए हैं तो इसमें लगा देंगे स्लाइड अप। अब देखिए कैसा लग रहा है। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक हुआ, उसके बाद आया वेल आइकन। वेल आइकन को दब गया। वेल आइकन दबने के बाद वो ख़त्म हो गया और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इंट्रो में हम आवाज़ देंगे। आवाज़ देने के लिए वॉइस पर क्लिक करते हैं। वॉइस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करके और जो हमें उस अपने चैनल का आर्ट बोलना है, इंट्रो बोलना है, उसे हम बोलेंगे। बोलने के बाद वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। रिकॉर्ड होने के बाद ये आपका इंट्रो कंप्लीट हो गया। शेयर बटन पर क्लिक करें। शेयर बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लें हाई क्वालिटी में। और आप जैसे ही एक्सपोर्ट करते हैं
देखिए एक्सपोर्ट हो रहा है और ये आपका इंट्रो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो एक्सपोर्ट हो चुकी है।